एक सर बड़े प्यारे स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर काउंसलिंग है कि कि किदों चलनी, किस तरह होनी है। इसका सीधा जवाब है कि काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग दे स्टेप ने जिस विच यूनिवर्सिटी ने तुहाडे तो तुहाडे मार्क्स, तुहाडी चॉइस, तुहाडे कॉलेज की इनफॉर्मेशन लैनी है, सॉरी कॉलेज ते तुहाडे सब्जेक्ट चॉइस की इनफॉर्मेशन लैनी है, और जिहड़े मार्क्स तुसी गेन कीते है, फिर यूनिवर्सिटी का यह रोल है काउंसलिंग दे स्टेप ने। फिर उन्होंने तुहाडे रैंक, तुहाडी कैटेगरी, सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन अवेलेबल इन कॉलेज के मुताबिक तुहानू अलॉट करना है। यही स्टैप है। पहला ऑनलाइन तुसी चॉइस फिल मेजर सब्जेक्ट की कर रहे हो, है ना, जिहड़ी 9 तो 18 तरीक तक है। फिर प्रोविजनल टैंपरेरी मैरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गई 19 तरीक नू। फिर डिस्क्रिपेंसी कुछ एरर हुई है तो इस मेल एड्रैस से तुसी 20 ते 21 तरीक नू दस दित्तियां कि सर मेरा रूरल भरिया गया सी, सर ये ठीक कर दिता जाए, मेल कर देनी है, इतने मेरे को आ इनफॉर्मेशन गलत दिती गई सी, वो ठीक कर देनी है ना, ये बारे डिफरेंट वीडियो भी दिता, वो देख सकते हो। फिर फाइनल मैरिट लिस्ट आ जानी है, काउंसलिंग चल रही है, और फिर यूनिवर्सिटी ने प्योरली तुहानू प्रोविजनल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट लिस्ट तुहानू एक रसीद इसे ही लॉग इन करके अपना आई डी पासवर्ड फिल करके तुहानू तुहाडा रिजल्ट आ जाना है। अलॉटमेंट ऑफ सीट किस मेजर सब्जेक्ट विच किस कॉलेज विच मिली है वो जनरेट हो जाना है। फिर तुसीं कॉलेज फिजिकली हुण जाना है, जिहड़े कॉलेज का नाम उत्ते लिखा होएगा, 3 दिन दिते जाणगे 24 तो 26 तक, तुसीं उत्थे जांदे हो, वेरीफिकेशन डॉक्यूमेंट करवाउंदे हो, प्रोस्पेक्ट खरीदण तो पहला फाइनैशियल मामले नू सारे चार्जेस पुछदे हो, सैटिस्फैक्शन होण ते प्रोस्पेक्टस खरीद के ते अपना फीस डिपॉजिट करा देंगे हो। फीस किन्नी डिपॉजिट करानी है, जिन्नी फीस निर्धारित सेमेस्टर की है उस तो अद्धी करवानी है, इस तो वध नहीं करवानी पहले सेमेस्टर की। सो ये हो जाता है, इस तो बाद तुहाडा काम खत्म हो जाता है। जे तुसी नहीं रिपोर्ट करना तो तुसी नहीं भी कर सकते, तुसी सैकेंड काउंसलिंग विच प्रोसीजर विच यही स्टैप रिपीट होने उहदे विच शामिल हो सकते हो। दूसरा है कि जिहड़ा है जे तुसी शिफ्टिंग करन दे विच विचाले हो, कई रिपोर्ट कर लेंदे हो कर देंदे हो तो नैक्सट काउंसलिंग से शिफ्टिंग भी कर सकते हो, ये भी पॉसीबल है। सो बाकी बचिया जो खाली सीटा हैं वो फिर वो कॉलेज ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थ्रू मेल 28 अगस्त तक दस देना है कि साढ़े को एनिया इस कॉम्बीनेशन विच ए सीटा जिहड़ियां हन खाली जिहड़ियां रह गईयां हन। इत्थे तक पहली काउंसलिंग है, इन्ना काम है, यही सैकेंड काउंसलिंग विच फिर रिपीट होना है। थैंक यू।